Myself, Dr. Manisha Mathur. Dear students, earlier हमने parenchyma, colenchyma and sclerenchyma के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे difference between parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. ये question कई बार आपके exam में आता है कि parenchyma और colenchyma के बीच में क्या अंतर होता है, या कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या पेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो हम देखेंगे कि सबसे पहला पहले कॉलम में बता रखा है हमने बेसिस ऑफ कंपैरिजन, पेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. अब पेरेनकाइमा जो है वो लिविंग प्लांट सेल है जो कि ओरिजिनेट होता है ग्राउंड एंड प्रोटोडर्म मेरिस्टेम से. ये सेल्स मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन प्लांट्स. दी सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो सेल्स है प्लांट्स के अंदर वो पेरेनकाइमा है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है. सेकेंड इज कॉलेनकाइमा, ये भी लिविंग प्लांट सेल है और ये ओरिजिनेट होता है प्रोकैम्बियम से. ये अधिकतर एपिडर्मल रीजन में पाया जाता है. एपिडर्मल लेयर्स ऑफ द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा. एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर अधिकतर जो होती है कॉलेनकाइमा सेल्स की बनी हुई होती है, जो होती है हाइपोडर्मिस. अब थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा जो है वो हार्ड एंड आउटर पार्ट, स्टेम का जो हार्ड और आउटर पार्ट होता है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ होता है. ये डेड प्लांट सेल्स होते हैं. अब यहाँ अंतर आ गया, पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स हैं और स्क्लेरेनकाइमा आर डेड सेल्स ऑन मैच्योरिटी. ये ग्राउंड मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम. प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम से भी ओरिजिनेट होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. मेन जो इसमें डिफरेंस है कि पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा लिविंग सेल है और स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है. सेकेंड जो कैरेक्टर है, पेरेनकाइमा आर प्रेजेंट इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के हर सॉफ्ट पार्ट में पेरेनकाइमा पाया जाता है. लेकिन जो कॉलेनकाइमा होता है ये स्पेसिफिक पार्ट में ही पाया जाता है प्लांट्स के, जैसे कि लीव्स में, स्टेम्स में और पीटियोल्स में. पीटियोल्स में भी कॉलेनकाइमा पाया जाता है. तो कॉलेनकाइमा आर फाउंड इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, स्टेम एंड पीटियोल. जबकि स्क्लेरेनकाइमा को अगर हम लें तो स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन मैच्योर प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज. मैच्योर पार्ट्स के अंदर स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है. थर्ड कैरेक्टर है टाइप ऑफ सेल. जो पेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं. खूब सारे सेल्स होते हैं प्लांट में एंड आर लिविंग सेल. कॉलेनकाइमा के सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड लिविंग सेल्स. जबकि स्क्लेरेनकाइमा के स्पेशलाइज्ड मैच्योर्ड एंड डेड सेल्स होते हैं. नेक्स्ट है सेल शेप. पेरेनकाइमा अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि ओवल भी हो सकते हैं, तो राउंड भी हो सकते हैं, तो पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक भी होते हैं. लेकिन अधिकतर जो पेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं. अधिकतर आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं. जबकि कॉलेनकाइमा के सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं. जबकि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, फाइबर लॉन्ग सेल्स जो कहलाते हैं फाइबर सेल्स एंड छोटे गोल सेल्स जो कहलाते हैं स्क्लेरिड्स. नेक्स्ट है सेल वॉल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है तीनों के बीच में. पेरेनकाइमा के अंदर जो सेल वॉल होती हैं वो थिन होती है, बहुत पतली होती है,
थिन सेल वॉल इज प्रेजेंट, जबकि कोलेनकाइमा में अनइवन सेल वॉल इज प्रेजेंट, मतलब कहीं से तो थिक होती हैं और कहीं से थिन होती हैं। तो अनइवन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में हार्ड मोटी सेल वॉल होती है, हार्ड एंड थिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इन स्क्लेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती हैं वो बनी हुई होती हैं सेल्यूलोज की। इन पेरेनकाइमा सेल्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जबकि कोलेनकाइमा के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज। पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसलिए ये लचीला होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी देता है वॉल को। तो कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती हैं इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज, जबकि स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल जो होती हैं इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन होता है स्क्लेरेनकाइमा पे, और लिग्निन जो होता है वाटर के प्रति इम्परमिएबल होता है, अब वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। और लिग्निन की जो सेल वॉल है, डिपोजिशन जो है ये होता जाता है निरंतर, जिससे कि सेल का ल्यूमन एकदम समाप्त हो जाता है। डिपोजिशन बढ़ता जाता है तो सेल का ल्यूमन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसलिए सेल डेड हो जाता है, इसलिए स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स डेड होते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतर कोशिक स्थल। जो पेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं इनके बीच में अंतर कोशिक स्थल उपस्थित होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, जबकि कोलेनकाइमा के अंदर लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, बहुत कम पाए जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस पेरेनकाइमा के कंपैरिजन में, जबकि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिक स्थल अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए सेल्स जो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। अब लास्ट जो है डिफरेंस वो है फंक्शंस का। जो पेरेनकाइमा सेल होता है उसके कई फंक्शन होते हैं। पेरेनकाइमा सेल हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, खाद्य पदार्थ को स्टोर करने के काम में आता है। जैसे हमने पढ़ा था कि पेरेनकाइमा के वो सेल्स जो कि खाद्य पदार्थ को स्टोर करके रखते हैं वो कहलाते हैं ईडियोब्लास्ट। पेरेनकाइमा कई तरह की चीज़ें स्टोर करके रखता है, जैसे कि स्टार्च हुआ, ऑयल्स हुए, रेजिन्स हुए, क्रिस्टल्स हुए कई टाइप के। तो ये जो पेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। फिर सेकंड, ऐसे पेरेनकाइमा के सेल्स जिनमें बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं, जिनके बीच में एयर कैविटीज़ होती हैं, वो कहलाते हैं एरेनकाइमा, और ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में, गैसीय आदान प्रदान के अंदर पौधे को मदद करते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, बायंसी प्रदान करते हैं जिससे कि वो फ्लोट कर पाते हैं। तो सेकंड फंक्शन जो है पेरेनकाइमा का वो है गैसियस एक्सचेंज, और कई केसेस में जब पेरेनकाइमा के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट जमा हो जाता है पेरेनकाइमा में, जो कि मीजोफिल सेल्स में हमको नज़र आता है, पत्तियों के मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो पेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जब ऐसे केसेस में जो पेरेनकाइमा के सेल्स हैं वो मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, तो पेरेनकाइमा सेल्स ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब हम आते हैं कोलेनकाइमा पे। कोलेनकाइमा के अंदर चूँकि थिकनिंग्स पाई जाती हैं, जगह जगह पे थिकनिंग्स पाई जाती हैं, इसलिए कोलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है पौधे को। थिक होता है सेल वॉल इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और इलास्टिसिटी प्रदान करता है पौधे को। जैसे तेज़ हवा चली, पौधा एक तरफ झुका तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, वापस अपनी जगह पे झुक के, वापस बेंड होके वापस अपनी जगह पर आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, और ये इलास्टिसिटी पौधे को कोलेनकाइमा सेल्स प्रदान करते हैं। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, क्योंकि इनकी वॉल थिक होती है, लिग्निन का डिपोजिशन हो रखा होता है इनमें, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। दीज आर द चीफ टिश्यूज और चीफ सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। अब स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो जाइलम और फ्लोयम में भी प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोयम जो होते हैं चीफ कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट्स के। जाइलम हेल्प करता है वाटर कंडक्शन में और फ्लोयम हेल्प करता है फूड कंडक्शन में। ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जाइलम और फ्लोयम। तो इन टिश्यूज़ का एक एलिमेंट होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा एंड फ्लोयम स्क्लेरेन्काइमा, और ये दोनों फाइबर्स के रूप में होते हैं, जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोयम फाइबर्स। तो ये जब स्क्लेरेन्काइमा सेल्स फ्लोयम और जाइलम में प्रेजेंट होता है तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा।